जय हिंद सभी को। मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली दो टाइप के लोगों के लिए वीडियो है। पहला, जिनके क्यूनेट से रिफंड अप्रूव्ड हैं और पेंडिंग चल रहे हैं, वो चाहे दिसंबर में डाला हो, जनवरी में डाला हो, फेब मार्च अप्रैल में किसी में भी डाला हो, आपका अप्रूव्ड है और रिफंड नहीं आया, तो ये वीडियो आपके लिए है। सेकेंड, जो लोग अभी भी रिफंड के लिए एलिजिबल हैं, वो समझाऊंगा मैं आगे वीडियो में कैसे, तो अपने रिफंड डालना चाहते हो तो डाल दो, ठीक है, बाद में ये मौका नहीं मिलने वाला। ये अभी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रिफंड डालने के लिए, सेकंड थॉट नहीं लगाना, मौका है, रिफंड डाल दो। वीडियो को एंड तक आप दोनों टाइप के लोग जरूर देखना। बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूं, कोशिश करूंगा वीडियो शॉर्ट रहे, बट कुछ बातें मैं इतनी ध्यान से आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप कोई गलती ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब जरूर करना है। जितना ज्यादा सब्सक्राइब आप करवाएंगे और करेंगे ना, मोटिवेशन मेरा बढ़ेगा और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाके रखूंगा। और काफी सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूं, इसलिए मैंने कोर्स की स्टार्टिंग भी करी है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, यूट्यूब सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, ग्रो करने के लिए ही तो आप क्यूनेट में गए थे और ऑप्शन नहीं मिल पाया, तो मैंने कोर्स लॉन्च किया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप देख सकते हैं, आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। चलिए आप डिस्कस करते हैं पहली कैटेगरी, जिसमें रिफंड अप्रूव्ड है और उनको रिफंड मिला नहीं, तो उनको क्या करना चाहिए। एक वीडियो मैंने बनाई थी क्यूनेट के रिफंड्स कब आएंगे, ये कुछ टाइम पहले की वीडियो है, जो मैंने टाइम बोला था कि मई में एटलीस्ट हमें वेट करना चाहिए, उसके बाद हम एक्शंस लेंगे। मई ओवर हो चुका है, अभी भी कोई रिफंड नहीं है। पहले समझो किसके रिफंड आ रहे हैं, आए हैं और किसके नहीं आ रहे, ये कैटेगरीज को समझो। क्यूनेट तीन तरीके से काम करता है जो इंडिया में अभी एट प्रेजेंट चल रहा है, क्यूनेट इंडिया, क्यूनेट वर्ल्ड और स्मेजिंग, जो क्यूनेट का थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट है। स्मेजिंग और क्यूनेट वर्ल्ड यानी यूएसडी पेमेंट के जो बिल हैं उनके रिफंड अभी भी आ रहे हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हैं, जैसे मैंने दो तीन दिन अभी पहले विक्टिम वीडियोस बनाई, एक झारखंड से लेडी, एक बिहार से लेडी, तो उन्होंने कहा कि मेरे तीन चार दिन पहले रिफंड है। अब लोग कंफ्यूज हो गए, इनके कैसे आ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे, तो आपको समझा दूं, उनकी थी यूएसडी पेमेंट यानी क्यूनेट वर्ल्ड का पोर्टल का उनका प्रोडक्ट परचेज हुआ था। तो सबसे पहले आपको अपने बिल्स देखने, उस पर मेंशन क्या है। अगर वो यूएसडी पेमेंट है तो वो अपने टाइम पीरियड के हिसाब से आएगा, एक से दो महीने में। अगर वो स्मेजिंग है वो भी एक से दो महीने में आएगा, बिल के ऊपर स्मेजिंग लिखा होगा, आप चेक कर लो। बिल नहीं है तो सबसे पहली फॉर्मेलिटी बनती है अपने अप्लाइंस से जिद करके बिल लेना। अगर वो बिल नहीं दे रहा, पुलिस FIR, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब आप अपने बिल पे अगर चेक करेंगे, ऊपर लेटर हेड टाइप लिखा होगा क्यूनेट, तो इसका मतलब वो क्यूनेट इंडिया से प्रोडक्ट परचेज हुआ है। कस्टमर केयर से भी आप बात करेंगे तो आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। मई निकल चुका है, जून स्टार्ट हो गया है, अब नेक्स्ट क्या करना है। बहुत सारे लोगों ने जिनके रिफंड पेंडिंग है उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने ही मुझे बताया, ध्यान देना मेरी कस्टमर केयर से बात नहीं हो रही है, लोग ही मुझे बता रहे हैं, उससे की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि क्यूनेट इंडिया के कस्टमर केयर ने खुद कहा है कि हमारा जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट पर्पस चल रहा था, यानी जो अपग्रेडेशन चल रहा था उनके वेयर हाउस का, वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। अब वो क्यों हुआ था, जनवरी में 17 जनवरी के आसपास आपको मैंने ट्वीट दिखाए थे ईडी के, जो ऑफिशियल ट्वीट्स थे, उसमें साफ साफ कहा गया था कि हमने क्यूनेट इंडिया के ऊपर छापे मारे हैं, 36 बैंक अकाउंट फ्रीज करे हैं। उसके बाद हैदराबाद में एक ऑफिस में फायर ब्रोक हुआ था, यानी आग लगी थी, वो भी पता लगा कि वो क्यूनेट के ऑफिस थे। बाद में क्यूनेट ने, अभी उसे जितना मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, ये क्लेम किया कि वो हमारे ऑफिस नहीं थे, उन लोगों ने अपनी तरफ से स्टार्ट किए हुए थे क्यूनेट के नाम पे। तो वहां पे भी काफी सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हुए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स के वजह से, ये उनके बैंक अकाउंट फ्रीज होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ क्यूनेट इंडिया के रिफंड्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपके क्यूनेट इंडिया के रिफंड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए अटके हुए हैं और कोई रीजन नहीं,
बहुत सारे लोगों ने FIR डाली है, बहुत सारे लोगों ने केस करे हैं, पता नहीं क्या क्या किया, और ये एक दूसरे की भलाई के लिए ही हुआ है। तो इस वजह से ईडी ने अपनी छापेमारी करी और छापेमारी करने की वजह से उसने उसके बैंक अकाउंट फ्रीज करे। अब जो जो चेंजेस उन्होंने रिकमेंड किए होंगे क्यूनेट को, वो चेंजेस हो रहे हैं। तो बिट ऑब्वियस है कि ये चेंजेस की वजह से ही ये सारा डिले हो रहा है। बट दिक्कत ये है, एग्जैक्ट रिफंड का टाइम प्रोसेस क्यूनेट से हमें नहीं मिल रहा। हमारी जिम्मेवारी बनती है, मई निकल चुका है, जून आ चुका है, तो हमें कोई ना कोई नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। हालांकि कस्टमर केयर ने कहना शुरू किया है कि इन्वेंट्री का प्रोसेस ऑलमोस्ट एंड है, इस महीने से रिफंड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आए तो बहुत अच्छी बात है, काफी सारे लोग बैठे हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप अकेले नहीं हैं, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग हैं जो इस रिफंड के लिए वेट कर रहे हैं। हर दिन मेरे पास क्वेरीज हैं, रिफंड कब तक आएंगे, रिफंड कब तक आएंगे, वो भी कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने जब मुझे इन्फॉर्मेशन देनी शुरू की तो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। मैंने क्यूनेट के ऑफिस में भी काफी सारे लोगों को भेजा, पता करने की कोशिश की, तो जितने भी अभी तक इनपुट्स मिले हैं उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा है होगा। बट हमें वेट नहीं करना, हमें अपनी तरफ से स्टेप्स लेने शुरू करने। पहला स्टेप, ट्वीट शुरू करने। ट्वीट मैंने एक चेंज स्टार्ट की थी जिसपे काफी सारे लोगों ने रीट्वीट करके अपने मैसेजेस लिखे हैं, तो आपको भी ट्विटर पे जाके ईडी को टैग करते हुए आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बात करनी है कि क्यूनेट इंडिया के रिफंड्स को आप स्टार्ट करवाओ। क्योंकि ईडी है गवर्नमेंट एजेंसी, तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट्स को भी आप उसमें टैग कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में वो ट्विटर हैंडल डाल दूंगा मेरा अपना, जिसको मैंने स्टार्ट किया था। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी सी ये मेहनत जरूर करो। अगर आप ऐसी मेहनत नहीं करोगे तो आप लोग सब लोग हो सकता है फंसे रह जाओ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बेशक उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इस महीने रिफंड आएंगे, बट हमारी जिम्मेदारी बनती है, जब तक हमारे हाथ में रिफंड नहीं है हमें अपने कुछ एक्शंस को लेना चाहिए। तो पहले स्टेप्स में हमें ट्वीट्स पे ट्वीट्स करने चाहिए ताकि गवर्नमेंट तक आवाज जाए कि क्यूनेट इंडिया के रिफंड्स अटके हुए हैं, ईडी ने बैंक अकाउंट फ्रीज करे हैं, तो जितने भी लोग तंग हैं वो लोगों को रिफंड्स दिए जाए और क्यूनेट के अकाउंट या तो उसमें परचेजिंग कोई ब्लॉक किया जाए। इशू ये हो रहा है, परचेजिंग अभी भी चल रही है, तो आपके ट्वीट से अगर वो आवाज वहां पहुंच गई गवर्नमेंट तक, तो हो सकता है वो जो परचेजिंग है उसको भी बंद किया जाए ताकि फ्यूचर में लोग जो रिफंड्स के लिए कोशिश करते हैं उनको दिक्कतें ना हो। नेक्स्ट स्टेप, मैं कुछ ईमेल आईडी आपको दूंगा, ईडी की, सीबीआई की, या और भी बहुत सारी ईमेल आईडीज हैं जो मैंने किसी ना किसी के थ्रू, लॉयर्स के थ्रू, कुछ अपने रिसर्च के थ्रू मैंने वो ली हैं। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उनको आपको टू में रखते हुए सीसी में आप सपोर्ट सेंटर, जो क्यूनेट की ईमेल आईडी है, क्यूनेट का ग्लोबल सपोर्ट, क्यूनेट का नेटवर्क इंटीग्रिटी, क्यूनेट का ग्रीवेंस सेल और मेरी ईमेल आईडी, इनको भी आप सीसी में डाल के मेरे को सबको आप मेल शुरू करो। ईमेल में आपको क्या करना है, ईमेल में आपको पहली चीज तो ये कंफ्यूज नहीं होनी कि आपको हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसमें लिखो। ईडी में भी एम्प्लॉयज जो है ना, जो ऑफिसर्स हैं, उनको भी हिंदी आती है। ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन की स्टेट में रहना कि हम हिंदी में लिखें तो हमारी आवाज को सुना नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसमें लिखो। हाँ, प्रायोरिटी अगर इंग्लिश आती है तो प्रायोरिटी पे इंग्लिश रखना, बट ये नहीं सोचना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं किसी से लिखवाऊं, मैं जाऊं कहीं पे, मैं पैसे भरूं, ऐसा कुछ नहीं करना। हिंदी में एक छोटी सी कहानी लिखनी है, कैसे आपको अप्रोच किया गया, किस तरीके से आपने किस डेट पे पैसे भरे, कैसे कैसे आपको अंदर बुलाया गया सिस्टम में। उसके बाद आपको प्रॉपर डेट वाइज सब कुछ लिखना है, यानी जब आपने पैसे भेजे उसकी डेट, प्रोडक्ट परचेज हुआ उसकी डेट, कब रिफंड डाला उसकी डेट, ये सारी डिटेलिंग शुरू से एंड तक, और क्यूनेट का लास्ट मेल पूरा का पूरा सब कुछ उस मेल में आपके पास होना चाहिए और वो मेल फॉरवर्ड होनी चाहिए। अगर जितने भी लोग अभी ये वीडियो देखेंगे, ये सारे लोग अगर आप ये काम कर देते हो तो जरूर कोई ना कोई असर पड़ेगा, और वो पड़ेगा, नहीं भी पड़ेगा तो अगला स्टेप भी मैं आपको दे रहा हूं। चलो, दो स्टेप आपने कर दिए, ट्वीट वाला और जो ईमेल आईडीज मैं दे रहा हूं उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप,
आप लोग, जितने भी लोग मेरे टच में हो, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो मुझे व्हाट्सएप करो अपनी अपना नाम कि मेरे पास लास्ट ईमेल ये आया था 30 वर्किंग डेज वाला, मेरी INR की बिलिंग थी। अपना एरिया बताना मुझे, मैं दिल्ली से हूँ, पुणे से हूँ, पंजाब से हूँ, मैं इधर से हूँ, मैं उधर से हूँ, जहाँ से भी आप हो आप मुझे वो रीजन लिख के देना, रीजन, ठीक है। स्टेट तो ऑब्वियसली मैं पहचान लूंगा, आप मुझे जगह लिख के देना, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, मैं आप सभी के एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दूंगा। अब जिसके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, मुझे ईमेल पे अपनी यही डिटेल्स विद कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कर दो। उसके बाद मैं आपको सेपरेट ग्रुप्स में स्प्लिट करूंगा। दिल्ली से जो होगा उसे मैं दिल्ली के ग्रुप में डाल दूंगा। ध्यान देना, ये वही लोग होने चाहिए जिनका रिफंड पेंडिंग चल रहा है और क्यूनेट से अप्रूव्ड है। सेपरेट सेपरेट सिस्टम शुरू कर रहा हूं मैं। इसके बाद अगली कुछ वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा जिनके रिफंड्स की डेट क्रॉस हो चुकी है उनको क्या करना है। बट आज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए जिनके रिफंड अप्रूव्ड हैं और पेंडिंग चल रहे हैं ईडी के इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में, उनके लिए स्टेप्स हैं। दिल्ली से जो होंगे उनको सेपरेट कर दिया, जो महाराष्ट्र से होंगे उनको मैं सेपरेट कर दूंगा, आप और एक्सेट्रा जिस भी स्टेट से आप होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एक साथ कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे से। एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपको मिलना है, मिलने के बाद एक एरिया चूज करके, पुलिस स्टेशन चूज करके, EOW चूज करके, वहां पे जाके, और ईडी का ऑफिस अगर आपके नियर बाय हो, कोशिश करनी है ईडी का ऑफिस, ईडी के ऑफिस आपको मिल जाएगा। गूगल आप करेंगे तो आपको ईडी के ऑफिस नियर बाय मिल जाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे वगैरह सब डिटेल मिल जाती है। थोड़ा सा स्क्रॉल करो, एक्सप्लोर करो, डरने से कुछ नहीं होगा कि मेरा रिफंड कब आएगा, मेरा रिफंड कब आएगा। देखो रिफंड तो आएगा, कंपनी रिफंड से मना नहीं कर रही, कंपनी के ऊपर कुछ इम्प्लीकेशंस हैं जिसकी वजह से रिफंड रुक रहा है, कंपनी नहीं रोकेगी रिफंड। जिसने दिसंबर 22 से पहले सारे रिफंड दिए हैं अप्रूवल के बाद, तो वो आपके भी नहीं रोकना चाहती। आज भी स्मेजिंग अगर और USD पेमेंट का रिफंड आ रहा है तो कंपनी रिफंड नहीं रोकना चाहती, सिर्फ और सिर्फ इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से रिफंड रुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, ट्वीट करना है, जो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वहां पे मेल करना है, प्रॉपर स्टोरी, प्रॉपर आपके साथ जो जर्नी हुई है वो एक एक बात उसमें होनी चाहिए, विद डेट, विद टाइम भी लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, बट डेट, अमाउंट, क्या लास्ट ईमेल थी, क्यूनर की तरफ से क्या क्या ईमेल आई, और आपके कितने अमाउंट पेंडिंग है, कितना अप्लाइंग के पास पेंडिंग है, किसने आपको अप्रोच किया, वो पर्सन के नाम वाम सब लिख देना। मत सोचना कि कोई DFAM होगा, कुछ होगा, नहीं, आप किसी को भी पब्लिकली अनाउंस कुछ नहीं कर रहे, आप एक ईमेल कर रहे हैं, ठीक है। ईडी को भी अगर अपने अप्लाइंग का नाम लिख के भेजेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप भेजो, ठीक है। ईडी ने जो कुछ करना है वो कार्रवाई करेंगे, प्लस मैं अपनी तरफ से कुछ बैकअप लगा रहा हूं, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कोशिश कर रहा हूं मैं आप सभी के लिए, बट आपको भी ये कार्रवाई करनी है। और मैं भी जो ये वीडियो बना रहा हूं कहीं ना कहीं लॉयर से पूरी डिस्कशन करके, स्टेप्स को लेके समझ के, ये सब इसलिए वीडियो बना रहा हूं। आज ये मेरे माइंड से वीडियो नहीं है, ये कुछ डिस्कशन के बाद ये वीडियो है, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप, आपने मुझे मेल करना है या मुझे व्हाट्सएप करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, किसी भी मीडियम के थ्रू मुझे अपना रीजन, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी डिटेलिंग मुझे फॉरवर्ड करनी है। मैं आपके ग्रुप्स बनाऊंगा, आप लोग आपस में मिलेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी होगी ईडी के ऑफिस जाना, ठीक है। आप स्टेट वाइज जा सकते हैं, दूर दूर तो नहीं जा सकते, इसलिए मैं आपके ग्रुप्स बनाऊंगा। इसके बाद अगर होपफुली वहां से कुछ कार्रवाई हुई तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप, आप सबके जो ग्रुप्स बन चुके होंगे मैं आपको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लीगल सपोर्ट जो भी होगा हम डायरेक्टली एक साथ ग्रुप्स वाइज 10, 12, 15, 20 जितने भी लोग उस ग्रुप में होंगे स्टेट वाइज, हम उनके थ्रू लीगल की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके पास लॉयर्स हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है, आप यूज कीजिए, आप जाइए, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके स्टेप्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। जून स्टार्ट हो गया है, ये सारे स्टेप्स लेना शुरू कर दो, सभी लोग स्टेप, तभी कुछ होगा। और बहुत सारे लोग हैं, अकेले मत समझना अपने आप को, ये मत सोचना कि सिर्फ आप अटके हुए हो, ऐसा नहीं है,
ठीक है। और अगर कुछ भी स्टेप लगता है लीगली, कैसे भी चैलेंजेस, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे को कांटेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, घबराना मत, टेंशन मत लेना। कुछ लोग ये भी सोचने लगे हैं कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ चुके हैं, पता नहीं मैं जवाब दूंगा नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है, बिजी स्केड्यूल जरूर हो सकता है, बट मैं फिर भी पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे साइड से कोई आपके पास एक इनपुट चला जाए। मिस होती है मेल्स, आप रिपीट कर दो। आप उससे बेटर है ना, मेल की जगह आप एक काम करो, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। अब मैंने पूरी कोशिश की है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर डायरेक्टली दे दूं। इनिशियली मैं नहीं दे रहा था, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे देने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, लोग एकदम से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। अगर मैं कॉल पे अवेलेबल नहीं हूं तो व्हाट्सएप पे अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है। कुछ लोग भी मैं आपके लिए लगाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो आपसे कोऑर्डिनेट कर सकें, उनको भी मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट अब करूंगा, ये स्टेप्स लेना शुरू कर दो। कुछ भी कंफ्यूजन होती है, कुछ भी कंफ्यूजन होती है, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, जीमेल या किसी भी प्लेटफॉर्म से आ जाओ। व्हाट्सएप नंबर भी मैं शेयर करूंगा, हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा टाइम की दिक्कत रहेगी, और अगर फिर भी कंफ्यूजन अगर रहती है ना, मेरे से कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा, मैक्सिमम वीडियोस मैंने बना रखी हैं, अलग 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 प्लेलिस्ट कर रखी है जिससे आपको दिक्कत ना हो। लोग कहते हैं रिफंड कैसे होगा, रिफंड का प्रोसेस बताओ, रिफंड की प्लेलिस्ट है प्रॉपर, आप उसमें चले जाओ। लोग कहते हैं क्यूनेट में करना क्या होगा मुझे समझाओ, क्यूनेट में करना क्या होगा, बिजनेस प्लान वीडियो, कॉम्पनसेशन प्लान वीडियो सब बना रखी है, एक बार थोड़ा सा चैनल को एक्सप्लोर करो। और जो मैं विक्टिम वीडियोस को लेके आता हूं, अनटोल्ड स्टोरी जो मैंने आजकल कॉन्सेप्ट दिया है, इसमें लोग आने से घबराते बहुत हैं। आने कोई टेंशन नहीं, घबराओ मत, आओ दिल खोल के अपनी बातों को रखो। आपको नहीं पता इन वीडियोस की वजह से, आप लोगों की हिम्मत की वजह से दूसरे लोग डिसीजन ले पा रहे हैं। बहुत लोगों ने मुझे बताया, किसी ने बिहार वाले पर्सन की वीडियो देखी, किसी ने झारखंड की देखी, किसी ने कोलकाता की देखी, किसी ने दिल्ली की देखी, अलग अलग एरिया से जब ये लोगों को देख रहे हैं दूसरे को, तो वो डिसीजन ले पा रहे हैं कि क्यूनेट का अप्लाई मुझे कह रहा है ये साहिल में जो पर्सन है ये नेगेटिव इंसान है, क्यूनेट के अप्लायंस कह रहे हैं ये बात उन्हें, ये नेगेटिव पर्सन है। बट जब वो विक्टिम वीडियोस को देखते हैं ना, वो रिलेट करते हैं कि हमारे साथ भी वही हो रहा है जो मेरा अपलाइन मेरे साथ कर रहा है। तो इन वीडियोस में आने से घबराओ मत, ये एक प्रोटेस्ट की तरह है। मुझे आप सभी की हेल्प चाहिए, मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। चैनल सब्सक्राइब भी इसलिए कहता हूं ताकि ये वीडियोस दूर दूर तक जाएं। लोग कंफ्यूज हुए पड़े हैं, लोग को क्लियर करने के लिए मैं हमेशा वीडियो लेके आता हूं। करो सब्सक्राइब, आपके लिए और कंटेंट भी लाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने नया चैनल भी ओपन किया है जो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, था अनफिल्टर्ड लाइव टॉक शो। इस चैनल को मैं अलग से करके सिर्फ और सिर्फ ये जो वीडियोस है लाइव, जो पॉडकास्ट में आपके साथ करता हूं, मैं उनको उस पर लेके जाऊंगा डायरेक्टली। तो उसके लिए भी सब्सक्राइबर चाहिए। बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन है यूट्यूब की जो हमें भी फॉलो करनी पड़ती है, किसी और को भी फॉलो करनी पड़ती है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्रोसेस को शुरू कर दो, घबराने की जरूरत नहीं है। रिफंड्स तो देखना आएंगे, चाहे थोड़ा सा डिले जरूर हो रहा है, मानता हूं दिक्कतें हो रही हैं, तकलीफें हो रही हैं, स्टेप्स लेना शुरू कर दो, ट्वीट से स्टार्ट करो। अब एंड में एक शॉर्ट मैसेज उन लोगों के लिए जो अभी भी एलिजिबल हैं और रिफंड डाल सकते हैं। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, रिफंड रिक्वेस्ट भेजनी है आपको support.center@qnetindia.in। वहां पे लिखना है कि मैं इस बिजनेस को नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, मेरे पास प्रोडक्ट भी रिसीव नहीं हुआ है, तो मैं रिफंड डाल रहा हूं, आप मेरा रिफंड कीजिए। पैन कार्ड लगाओ और साथ साथ परचेज रिसिप्ट लगाओ। रिसिप्ट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिख दो, उससे भी सारा काम हो जाएगा। और ये मेल तुरंत भेज दो, क्योंकि एज पर डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस, अगर आपके पास क्यूनेट हो या किसी भी कंपनी से हो, प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ, यानी INR वैल्यू है और प्रोडक्ट आपके घर पे डिस्पैच नहीं हुआ, तो आप रिफंड के लिए एलिजिबल हैं। जनवरी के भी बहुत सारे लोगों का रिफंड मैंने रिसेंटली डलवाया है और उनका रिफंड अप्रूव हो गया है, ठीक है। अभी इनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये वाला सिस्टम खत्म होने वाला है, फिर इनके प्रोडक्ट डिस्पैच होने लगेंगे, तो उसके बाद आपके पास वही पॉलिसी वापस रिपीट होगी जो 30 डेज की बायबैक पॉलिसी होगी, जो डेट ऑफ इनवॉइस से ही काउंट होगी। तो ध्यान देना, ऐसी गलती मत करना। अगर आपका डिसीजन बन चुका है, रिफंड डाल दो, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है।